माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे भारत के पहले एयर कूल्ड कंडेंसर सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के बारे में। थर्मल पावर प्लांट भारत के नेशनल पावर ग्रिड में बिजली के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में गिने जाते हैं। ये प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल जैसे कि कोयले की हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। आपको बता दें, इस क्षेत्र में निरंतर नए डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं जिससे समय रहते प्राकृतिक संसाधनों को लुप्त होने से बचाया जा सके, साथ ही उनसे मानव विकास के अन्य उपयोगी साधनों को भी पैदा किया जा सके। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा उपयोगिता नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी कि NTPC ने भारत के पहले एयर कूल कंडेंसर स्थापित सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट को लॉन्च किया है। झारखंड में स्थित इस पावर प्लांट की पहली इकाई 660 मेगावाट की क्षमता रखती है। बुधवार 1 मार्च से इसे कमर्शियल ऑपरेशंस में शामिल किया गया। इस एयर कूल कंडेंसर में लगभग पारंपरिक वाटर कूल कंडेंसर के मुकाबले एक तिहाई कम पानी रखने की क्षमता है। इसका परिणाम ये है कि साल में 30.5 मिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास पानी की बचत होगी, जिससे उस एरिया के 1.5 मिलियन लोगों की पानी की जरूरत आसानी से पूरा किया जा सकेगा। आज के समय में जब प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत पूरे विश्व भर में है, तब ऐसी रचनाएं भारत के लिए एक संजीवनी के रूप में काम कर सकती है। उत्तरी करनपुरा प्लांट की कुल क्षमता 1980 मेगावाट होगी, जिसमें 660 मेगावाट की 3 इकाइयां होंगी। फिलहाल NTPC द्वारा आधिकारिक तौर पर ये कहा गया है कि NTPC देश की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा उपयोगिता ने 1 मार्च 2023 को झारखंड में उत्तरी करनपुरा में 660 मेगावाट की पहली इकाई का कमर्शियल संचालन शुरू कर दिया है। साथ ही कंपनी के अनुसार ये कहा गया है कि ये प्लांट सबसे कुशल सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में से एक पर आधारित है और पिट हेड प्लांट यानी कि कोयला स्रोत से 10 किलोमीटर होने के कारण झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को ये प्लांट किफायती बिजली की आपूर्ति करेगा। NTPC ने ऊर्जा उत्पादन के व्यवसाय के साथ साथ जल संरक्षण पर भी नजर रखा है। इसके प्रबंधन के लिए उसने 3R की प्रणाली को अपनाया है। ये 3R रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को दर्शाते हैं। NTPC ने पहले ही प्लांट के लोकेशन पर वाटर मैनेजमेंट के कई उपायों को लागू किया है। जाने से पहले NTPC के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। ये पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आने वाली एक इंडियन कंपनी है जो कि विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और आज के समय में ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी के रूप में जानी जाती है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।